डॉक्टर साहब, रिश्तेदार तो ठीक है ना अब हमारे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ये खतरे से बाहर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इकलौते बहनोइया हमारे। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी बहन को क्या जवाब देता? ये एहसान आपका जिंदगी भर रहेगा हम पर। एहसान की कोई बात नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर साहब, कब तक एडमिट रखना पड़ेगा इन्हें हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, एडमिट रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ड्रिप पूरी होने दो, उसके बाद इन्हें घर ले जाना, मैं कुछ दवाइयाँ लिख दूंगा, बस वो टाइम पे देते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बिल करा दीजिए हमारा। ओके। चलो बहनोई साहब, ऊपर वाले का शुक्रिया, सब ठीक है। अरे तुम तो चुप ही जाओ साले साहब, ये सब नाटक तुम्हारी औलाद की वजह से तो हो रखा है। पहले ही उन्होंने कम में सिर पे मुसीबतें इकट्ठी कर रखी, जो अब हमारे बहनोई को भी ना छोड़ा। कहाँ है दोनों? मुझे क्या पता। हेलो, कहाँ हो बे? अभी के अभी हॉस्पिटल आओ। अरे बाबू भाई, इस बार तो तुम्हारे कुछ भी ना हुआ, ना तुम्हारी टीक फूटी, ना तुम्हारा नगोटा। कंधे की चुभ गई, बहुत भर के लगी है यार, चैन भी ना है। एक ही हमारा फूफा उल्लू का चुदा हुआ था और उल्लू का चुदा हुआ ही रहेगा। चैनना चैनना, ये क्या है फिर? चैनना तो क्या है ये? अबे चैन मतलब ये नहीं, आराम से नहीं आ जा रही है तुमसे? हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। ये बताओ फूफा, बुलाया क्यों है तुमने? ये बताओ बहनोई साहब के साथ क्या मैटर है तुम्हारा? बाबू भाई, पार्टी का बैग का वजन तो देखो, लगता बहुत माल है। अरे आओ चेक कर ले। बाबू भाई भागो, साला जोक कितना चिपक गया, पुलिस और बुला रही है, पकड़वा देगा ये तो। फूफा मैटर ही क्या यार, मैटर तो कुछ भी ना, ये बेचारे कड़ी धूप में रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, हम दोनों ने जब इन्हें देखा मैं तुरंत पहचान गया, ये कहीं ना कहीं से अपने रिश्तेदार लग रहे हैं। मैंने इससे बताई, ये बोला चलो बैग ले लो इनसे, यार बेचारे कहां तक लेके जाएंगे, हम घबरू जवान है दोनों, हम उठा के ले लेंगे घर तक। बस यही बात थी, हमने इनसे बैग लिया, इन्होंने दिया ना, ये गिर गए दिखे थे, हम फिर आ गए, उसके बाद ना पता क्या हुआ। चल चूटा। अच्छा तुम्हें कुछ ना पता, तुम इतने सीधे हो। फूफा शक कर रहे हो हमारे ऊपर, तुम्हें ना पता हम कितने सीधे हैं। फूफा निकालो अपना फलान और खड़ा करो अभी के अभी, और चेक करो कहीं ना कहीं तुम्हारा फलान टेढ़ा होगा, ये दोनों भतीजे टेढ़े नहीं होंगे। चुप, बदतमीजी करवाऊं तुझसे। फूफा आ गई वही बात, वो वाला प्यार ना रहा तुम्हें अब हमसे, बदल गए फूफा बदल। तुम कितना प्यार करता हूँ तुमसे जानते हो तुम, इससे भी ज्यादा मैं करता हूँ। ये खड़े मेरे बाप, इनकी इज्जत नहीं करी होगी, और ये गधे की आड़ जैसा तुम्हारा लौंडा खड़ा, इसने तुमसे इतना प्यार कभी ना करा होगा जितना मैंने करा। आज फूफा तुम हमसे ऐसी बात कर रहे हो, बदल गए फूफा बदल तुम। अबे ना बाबू भाई, ये बात ना है, फूफा बहुत प्यार करे हमसे। अरे बदल गए यार, काहे का प्यार, मेरा कंधा टूटा पड़ा यार, हमारे बारे में तो पूछना रहे, अभी अपने बहनोई से प्यार करेंगे, अपने लोटे से प्यार करेंगे, हमसे थोड़ी करेंगे यार। फूफा गलत बात है यार। ना बाबू भाई, ये कोई बात ना तुम्हारी, अपनी जान से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं फूफा। अरे रहने यार, मोहब्बत करते मेरा कंधा टूट गया, जूस उसको ना पूछते गात बार। अरे तो जूस को तो आप पूछेंगे, ये क्यों फूफा? हाँ जूस को तो मैं पूछने ही वाला था, ले पकड़ 100 रुपए, जूस पियाइए। 100 रुपए में क्या हो रही है, 1000 रुपए तो दो कम से कम। 1000 रुपए कोरमा रोटी भी तो खाएंगे, बिरयानी, और फिर रात को कढ़ाई वाला दूध भी तो पियेंगे, काजू वाले जो हो वो। हाँ चल ले जा। और सुन, सीधा घर आ जाइए, हम भी यहाँ से फ्री होकर घर पहुँच रहे हैं। घर को जा रहे हैं, तुम बहुत प्यार करो तो हम भी बहुत प्यार कर रहे हैं तुमसे। Thank you.
बेटे अनवर जल्दी जल्दी लाओ यार, क्या कर रहे हो? अनवर मतलब नाश्ता चल लिया और हमें पूछा भी नहीं? अबे ओ, दोनों को पहली बता रही हूँ, नाश्ते में आके मत बैठ जियो, कभी जाहिल पंती करो। बहुत दिन हो गए तुम दोनों को यहाँ रहते हुए, मेहमान ना हो अब तुम। अबे तो मेरे भैया, तुझे क्या लग रहा है मैं नाश्ता करने आया हूँ? अबे बाबले, मैं तो तेरी मदद करने आया हूँ, तू अकेला लगा फिर रिया, भगा फिर रिया, कभी ये रख रिया, कभी वो रख रिया। हमने सोची यार कि हम भी तो घर में ही रह रहे हैं, हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। इस चक्कर में मैं आ गया, लाइए मुझे प्लेट दे, मैं रख के आऊँ, तू और सामान लिया। यार बाबू भाई, तुम दिल के इतने अच्छे आदमी हो, मुझे ना पता थी, मैं तो तुम्हें सुअर ही समझे कर रहा। मैं तो यार ये सोच रहा कि तुम वहाँ जाकर नाश्ते में बैठ जाओगे, लेकिन तुम तो मेरी मदद करवाने आ गए यार। अबे पागल, तू अपना छोटा भाई है, गोलू मोलू छोटा भाई। ला मैं लेके जाऊँ, तू और सामान लेके आ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अबे ये तो वहां जाके बैठ गए, बहुत गलत बात है यार। मुझे ये उम्मीद ना थी भाई बाबू भाई से, ये तो बहुत सुवर आदमी निकले। ये तो तुझसे कह गए तेरी मदद करूंगा और वहां जाके नाश्ते में बैठ गए। आज मुझे भी यकीन हो गया अनवर, इनका झूठ और मक्कारी देख के ये मेरे सगे भाई ना हो सकते। देखो पापा, ये है इसके अंदर नाटक, पकौड़ी की प्लेट लगे वहीं खड़ा है ये, ना यहाँ को ला के रख दू नाश्ते में। तुम्हारी बेइज्जती कराने में कोई मिनट नहीं छोड़ता है ये। एक अकेला भतीजा तुम्हारी कहाँ कहाँ तक इज्जत कराए, साला बस गेंडे की तरह फूल ही फूल लिया, अकल एक पैसे की ना। अब लेके आए यहाँ को प्लेट, नाश्ता लगा। अनवर ये सुअरपन छोड़ना मत अपना, अबे बाबू को देख, तुझसे पहले नाश्ता लिया आया, कितना समझदार है ये, इससे कुछ सीख। अरे फूफा क्या समझदार क्या अच्छा, आपकी इज्जत कराना मेरा फर्ज है फूफा। बस यही कमी रह गई अब तो फूफा ने भी डांट दिया। अब एक काम करते हैं, दोनों भाई मिलजुल के नाश्ता करवाते हैं, ये मुझे दे, तू कुछ और लेके आ। बाबू भाई उधर होइए जरा। अबे तो दोनों भैये सुअर निकले, बैठ ही गए मना करने के बाद भी, अब मुझे अकेले कोई कराना पड़ेगा। देख रहा हूँ फूफा इसकी सूरत कैसे बिगाड़ के आया, इसे शर्म नहीं आ रही तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अकल नहीं है फूफा इसमें अकल। तुम एक काम करो, कुतिया की गांड पे शहद लगा के तब चढ़वाओ इसे। अकल के मामले में सबसे नंबर वन हो जाओ। और बताओ साले साहब, घर परिवार में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। और आपके रिश्तेदारों? हमारे भी बढ़िया, हमारे तो घर पे बस बीबी बीबी रह गए, वरना शेर जैसे बच्चे हमारे सामने बैठे। अच्छा अच्छा, अभी आए दिखे थे? ना ना, हमें तो बहुत टाइम हो गया यहाँ आए हुए, हमारे बहनोई साहब हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जाने ही नहीं देते। रुको पापा, तुमसे इतनी मोहब्बत ना करते जितनी मुझसे करते हैं फूफा। मैं तो कई बार जाने की सोच रही हूँ, बैग भी पैक कर लिया, वहीं पकड़ ले, नहीं जाएगा नहीं, इतना प्यार करते और मेरा दिल ना लग रहा है यहाँ पे। बस फूफा को देख लेता हूँ तब सुकून मिल जाता, तभी रुका पड़ा हूँ दो ढाई महीने से, वरना रुकता भी ना। हाँ जब दिल ना लग रहा तो जाना यहाँ से, हराम का खाया जा रहा। तुम बताओ बहनोई साहब कैसे आना हुआ? अरे आने ही क्या, एक मिनट, भिन भिन की आवाज आ रही है, रंडी फिर आ गई है, रसगुल्ले पे बैठेगी देख लियो तुम। ये देखो आगे बैठ गई साली, गुप ऊपर से आके डायरेक्ट रसगुल्ले पे बैठती है ये खिलाओ इसे, अनवर को खिलाओ साले को। खिलवा दे, मैं तो धोके खा लूंगा। बाबू तुम रुको, काम की बात चल रही है, थोड़ा देख भी लिया करो। जी बहनोई साहब क्या कह रहे थे आप? मैं लेके आया था एक रिश्ता अपने अनवर के लिए, लड़की बहुत अच्छी है, पैसे वाले लोग हैं बहुत, तो सोचा क्यों ना अपने अनवर को ही करा दिया जाए। पैसों के मामले की बात मत करो, देखो पैसे के मामले में फूफा कोई हल्का पुल्का ना मूदते हैं, कभी कभी तो दांत भी मूदते हैं, गड्डियों के हिसाब से पैसा। अरे ये तो हमें ये पता है कि हमारे साले साहब पे बहुत पैसा है, और एक बात बता दूं, वो भी शादी बहुत शानदार करने कह रहे हैं, ये समझ लो जो गाड़ी चाहोगे ना वो गाड़ी देंगे, और करोड़ों वाली पार्टी है। करोड़ों वाली पार्टी है तो तुम एक काम करो, अनवर की छोड़ो, मेरी शादी करवाओ उस लड़की से, क्योंकि अपना भी करोड़ों का बिजनेस चलता है।
एक बार की सुनो बात जोए की। अबे ओ तू चुप, हमें सब पता है। हाँ बाबू भाई तुम चुप बैठे रहो, फूफा तुमसे नाराज हैं। तुम एक काम करो, हमारी शादी करवाओ। तुम्हें अपने बारे में बताऊं मैं? दो तो कांड कर रखे हैं मैंने। ओए चुप जरा, दो कांड देख रहो इसकी बात है, ये करेंगे दो कांड और सही से चेक करने लगे ना इसके आंड भी एक निकलेगा। कर रहे दो कांड। बेटे थोड़ा कम बोला करो जब बड़े बात करते हैं तो। सही कह रही है, जब बड़े बात करते हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। रिश्तेदारों तुम हमारी सुनो, दिल्ली की एक बात, कन्नौट प्लेस के अंदर बीच चौराहे पे मेरा हो गया झगड़ा। हाँ बाबा वही वाला जो उन लोगों ने तुम्हें कूट दिया था, तुमने मुझे फोन करा था, फिर अब मैं पहुंच गया, इनका फोन आते ही मैं तुरंत पहुंच गया। ईमानदारी से 50 लोंडा सामने, इधर मैं अकेला, मेरे हाथ में आ गई फंटी। कसम से यकीन करना, ऐसी फंटी चलाई ना 50 के 50 लोंडों को चोट के रख दिया। ओए मुझे तेरी भी पता है, तेरे बाप की भी पता है, तुम चुप बैठो। यार बाबू भाई तुम बोलते ही बहुत ज्यादा हो। अभी जब फूफा को तुम्हारे बारे में सब पता और पापा के बारे में सब पता तो क्यों बोलते हो? फूफा को मेरे बारे में थोड़ी ना पता है। अब सुन लो, जहां इनका झगड़ा चल लिया था कनॉट प्लेस में, उसकी जस्ट बराबर में जूते की दुकान पे मेरा चल लिया था। यकीन करना फूफा, उसी की दुकान का जूता निकाल के मैंने उसके सिर पे बजाया था। झूठ बोल लिया झाट, तू ये तो दिल्ली लेके ही ना गए, बातें मिला रही। तुम दोनों से चुप ना हो जा रही है, चुपचाप नाश्ता कर लो। बताओ मन हो तो फिर लड़की देखने चलते हैं। हाँ ठीक है देखते हैं। वैसे रिश्तेदारों तुम्हारे लोंडे तो ये ऐसे घूमते रहते हैं नालायकों की तरह, कुछ काम वाम तो करते नहीं। तुम करते हो नहीं करते? ना ना मैं तो बहुत कमाता हूँ, बहुत बैंक बैलेंस है मेरा, बस दिल नहीं है खर्च करने का। तुम्हें दिन भर तो मैं यहीं देखता हूँ घर में पड़ा होगा, कमाते कैसे हो? मैं कमाता हूँ बिनोमो पे ट्रेडिंग करके। बिनोमो ये क्या है? बिनोमो एक होनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ट्रेड करके अर्न कर सकते हो, और यहाँ पर तुम इजीली डिपॉजिट भी कर सकते हो, और आपको मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे 50% का बोनस। अच्छा हाँ, और सबसे अच्छी चीज ये देखो, अगर आप यहाँ जाकर किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं और वो रिफर करता है तो आपको मिलेंगे $10 से $20। तेदारो ये तो बहुत कमाल की चीज है, इसे यूज कैसे करें? अरे बहुत आसान है, अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। ये देखो अब आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें ग्राफ होता है, हमें प्रिडिक्शन करनी होती है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर हमारी प्रिडिक्शन सही होती है तो हम करेंगे अर्न प्रॉफिट। अब जैसे मुझे लग रहा है कि ग्राफ अप जाएगा तो मैं अप पर क्लिक कर दूंगा। अब बस हमें वेट करना है अपने रिजल्ट का। ये देखो हम जीत गए, बहुत अच्छा प्रॉफिट। और हाँ इसमें बहुत ही आसानी से आप विड्रॉल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप विड्रॉल भी कर सकते हैं UPI के थ्रू, Paytm के थ्रू, गूगल पे, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब तुमने तो कमाई करने के जरिए घर बैठे बैठे बता दिया, इसे डाउनलोड कहाँ से करें? अरे बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना, उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे आपको। अभी करता हूँ डाउनलोड। और साले साहब मेरा लगवाओ बिस्तर, मैं करूँगा अब ट्रेडिंग। अरे अनवर बेनोई साहब का बिस्तर लगवाओ। अबे भैया अनवर क्या कर रही है अकेले अकेले? दिखाई ना दे रही है, जनरेटर साफ कर रही हूँ। हाँ हाँ है भी तू इस लायक की, लग भी तू घर का नौकर ही रिया, चल जल्दी साफ कर। लेकिन अब ऐसे मत कह, अब अगले की बहू आने वाली है। अब क्या है शर्मा रही है? बेटे हम भी तेरी बहू के जेठ लगाएंगे, एक आध रोड तो निकलवाना पड़ेगा। बाबू भाई बदतमीजी मत करो, उसके खिलाफ मैं एक भी शब्द न सुनूंगा, होने वाली बीवी है वो मेरी। देख रहा हूँ बातें, मतलब वो अभी आई नहीं है तब इसके लिए इतनी ज्यादा हो गई, और हम जो इसके लिए जान देने तैयार हैं, भैया इसके हमारी कोई औकात नहीं है तेरी नजरों में। बेटे यही तो गलत है तुम्हारे अंदर, हम दिल से प्यार करते हैं तुमसे। बेटे दिखावे का प्यार करो, क्योंकि आज तक तुमने मेरा और मेरे पापा का हमेशा नुकसान करवाया, और पापा से मुझे हमेशा डटवाया, और आज तक कुछ खिलाया भी ना, तो कैसे प्यार करूं मैं तुमसे? साली कटिया खाने की भूखी बहुत है तू, ले रखा केला और दो अमरूद खा ले। मुझसे बात मत करो तुम दोनों, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यार बाबू भाई वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा घर है, 24 घंटे लाइट आती है, इन्वर्टर है, और तो और सोलर पैनल भी लग रहे हैं। हाँ तो इस जनरेटर का क्या काम है? अब हाँ यार इस जनरेटर का काम तो नहीं है वैसे कुछ भी। Shut up!
पहचाना ना? हाँ हाँ पहचान लिया। जनरेटर लाए यार, बहुत शानदार वाला, बड़ा है एकदम। यार जनरेटर की तो जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम खरीद लेंगे। क्या मांग रहे जनरेटर के? अभी पीछे लाते हुए रोक लिया रास्ते में, 1,00,000 रुपए दे रहे हैं इसके मैंने लिए। तू बहुत बड़ा बावला, पीछे जब 1,00,000 मिलने तो पीछे ही बेच आता। ऐसा कैसे बेच दूंगा यार, किसी को चाहे वो मुझे 2,00,000 रुपए देगा तब भी नहीं बेचूंगा। तुम हमारे अपने आदमी हो, उसे कैसे बेच दूंगा। वैसे तो वो बहुत सिर पड़ लिया मेरे के, ले लो 1,00,000 और खाना पीना खिला के भेजूंगा अलग, दिया नहीं मैंने। भैया मैं इतने का नहीं ले सकता, साफ बता रही हूँ उससे, मैं दूंगा जनरेटर के 3,000 रुपए। देख रिया इनकी बात है, नॉलेज ऐसी सकल है तो नॉलेज जैसी बातें हैं। 3,000 रुपए ली में क्या हो रिया, 5,000 रुपए तो दो कम से कम। 3,000 रुपए दूंगा, 3,000 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दे सकता। अबे क्या नाटक लगा रखा है, 3,000 रुपए दूंगा, 3,000 रुपए से 1 रुपया ऊपर ना दूंगा, जनरेटर लेना ना, 5,000 रुपए दो यहाँ को। ए एड मत दिखाना, अभी तूने कामिल भाई की मोहब्बत देखी है, अभी कामिल भाई का गुस्सा नहीं देखा है। हाँ अभी तूने देखा ही क्या है कामिल भाई का, तूने बस मोहब्बत देखी है इनकी, ना तो तूने गुस्सा देखा इनका, ना इनकी काली गांड देखी। अभी पैंट खोल के दिखा दी ना साले, दिखेगी भी ना इतनी काली है। कामिल भाई 4,000 रुपए कर दो यार। दिमाग खराब मत कर, दूंगा 3,000 रुपए। लाओ चलो दो यार। बाबा जनरेटर यहीं तो था, मैं अभी तो सफाई करके गया हूँ। बाबू भाई लाओ आधे पैसे मुझे दे दो। तेरी यही बात मुझे बुरी लगती है चूतड़, जब तुझे पता मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, मेरी जेब में पैसे तेरी जेब में पैसे, बात तो एक ही है। यार तुम ऐसी तो कह देते हो हर बार और एक भी रुपया देते नहीं फिर। अबे जब तुझे पता मैं पैसे नहीं दूंगा तो मांगते क्यों हाथी के भौसले। वो क्या हुआ जी फूफा? यहाँ जनरेटर रखा था वो कहाँ गया? जनरेटर? क्या फूफा मेरे को समझ में आ रही है क्या जनरेटर? जनरेटर अच्छा अच्छा अच्छा, वो झाटे मुड़ने वाली मशीन, वो तो फूफा जी विंडो पे ही रखी है बाथरूम में। पापा कितने सीधे बनना है दोनों के दोनों। बाबू मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सच सच बता दे बेचकारी आना तू जनरेटर। यार भैया अनवर पागल है क्या तू, कैसी बातें कर रही है, ये हमारा अपना घर है, यहाँ हम चोरी थोड़ी करेंगे। फूफा आज तक आपने किसी चीज को हमें मना करा है? तो फिर जब फूफा मना ही नहीं कर रहे किसी चीज को तो हमें चोरी करने की क्या जरूरत है? पापा मुझे अब भी इसकी बातों पे यकीन न हो रहा, ये झूठ बोल लिया। एक बार इसकी जेबें चेक करो, पैसे जरूर निकलेंगे इसकी जेब में। अरे बाबू भाई ये तो जेबें चेक करने कह रहा है, अब क्या करें? फूफा मेरी जहर दम रखना, सर पे हाथ अपना, मैंने फूफा चाहा तुम। मस्का मत मार पापा, जेबें चेक ना हो जाए इसलिए तुम्हें मस्का मार रिया, जेब चेक करा जेब। अब यही दिन रह रहा है फूफा, ले जेबें भी चेक कर लेते। बस कर लिया चेक, मिल गई तसल्ली, हो गया आपके सामने फूफा दूध का दूध पानी का पानी, कुछ भी ना निकला जेब में। अब पापा इनने जेबें चेक कराई कहाँ है, छून तक ना दिए इनने। अरे देख रहे हो इसकी, अभी तुम्हारे सामने इनने जेब ना देखी। मुनसाद भाई खुद बताओ तुम, जूता मारमा वाले सिर पे चेक ना करी तूने अभी? बेटे यही तो बात है इसकी, ये दोगलापन करता फूफा। बाकी तुम्हें अभी भी शक है तो जेब वेब छोड़ो, तुम्हारा भतीजा तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है, इतना प्यार करता। लो ये है कि गर्दन, जा भैया चाकू लेकर गर्दन काटो फूफा मेरी। तेरी गलती है सारी, तू पूरा दिन सोता रहता है, साले पागल हो गया क्या? तुझसे एक जनरेटर का ध्यान नहीं रखा जा रही है, इन मासूमों पे इल्जाम लगा रही है। अबे सुधरेगा ले सुधरेगा। अरे फूफा भैया है अपना यार, ये भी छोटा भाई है मेरा, मैं कैसे इसे पिटवाऊं, मेरा दिल गवाही नहीं देता। 2-4 लाते मारो और खत्म करो बात। चल जा यहां से, चलो भाई तुम भी जाओ। वैसे यार बाबू भाई एक बात तो है, फूफा ने यार घर बहुत शानदार बनवाया, एकदम बंगला लगता। कुछ ही दिन की बात है, इसे भी बिकवा देंगे। ओए अनवर यार मुझे वीकनेस हो रही है, मेरे लिए जूस लेकर आ जरा। यार मेरे लिए भी रेडबुल ले आइए जरा। ओए रेडबुल नहीं, नुकसान देती है, जूस मंगवा, तू खजूर का जूस पी ले, इसके लिए खजूर का जूस लेके आ। अबे क्या ड्रामे है तुम्हारे, जूस ला दे वो ला दे, पिलवाऊं तुम्हें भी जूस? अनवर क्या तरीका है बोलने का, छोटा हूँ तुझसे बड़ा हूँ मैं तुझसे, साले 2 मिनट में कूट दूंगा यहीं अभी, कहूँ फूफा से अभी। अबे ओ मुझे धमकी मत दे, इस घर का नौकर ना हूँ मालिक हूँ। ओहो गांठ मालिक है नवालिक है। अबे अनवर इधर आ। जी पापा। ये पकड़ 1,000 रुपए।
और पेड़ों को पानी लगा। 1000 रुपए पेड़ों में पानी डालने के? फूफा मैं डालूंगा पेड़ों में पानी, बहुत शानदार पानी डालता हूँ मैं, मुझे दो 1000 रुपए। नहीं बाबू भाई, तुमने एक बार पेड़ खराब कर दिया। फूफा पेड़ों में पानी मैं डालूंगा, मैं डालता हूँ बहुत शानदार। अनवर 1000 रुपए मुझे दे। अभी 1000 रुपए पेड़ों में पानी डालने के लिए ना दिए, बाजार से सामान आना है उसके लिए दिए हैं। अच्छा, मुझे लगा तुम पेड़ों में पानी डालने के 1000 रुपए दे रहे हो। तो मुनसाद भाई तुम ही लगा दो पानी, मुझसे तो खराब हो जाएगा तुम कह रहे हो। अरे ना, मैं भी कभी पहले लगाता था पानी, अब तो मैं पेड़ ही खराब कर दूंगा। अनवर तू ही लगा दे भैया पानी, आओ मुनसाद भाई। ये ना सुधरेंगे। ये लो बहनोई साहब, पहले तुम करो। फूफा मुझे दे दो पहले, बस थोड़ी सी तरी तरी निकालनी है। ले पहले तू कर ले। लो फूफा अब निकाल लो तुम। 1 आध किलो गोश्त बाहर से मंगा के डलवा दूं इसमें, तेरे लिए कम पड़ गया हो तो? ना ना, बस इतना ही बहुत है। वैसे भी आज ही आज खा रही हूँ, जितना भी खाऊंगा गोश्त छोड़ लिया हूँ आज के बाद। शरीर में चैके लगते हैं, गर्मी बढ़ रही है बहुत, दाने पाने निकले पड़े हैं यार फूफा। पापा लाओ मुझे दे दो, मैं 2-4 बोटी निकालूंगा बस, क्योंकि मेरे बहुत चैके लग रहे हैं, मैं भी कल से गोश्त छोड़ दूंगा। अनवर तू गोश्त खाना मत छोड़े, रोटी खाने ही छोड़ दे, देख तो ले कैसा हुआ पड़ा, मेंढक की तरह हर तरफ को फैल लिया। और फूफा तुम्हें एक बात बता दूं, मैं पूरा जमाना मट्टी से बना हुआ है, ये अकेला तुम्हारा लौंडा साला टट्टी से बना हुआ है, एक पैसे की अकल नहीं है इसके अंदर। वे खाना खाओ खाना। मैं क्या कह रहा हूँ साले साहब, कल को लड़की को देखने चलते हैं। हाँ कल मैं भी फ्री हूँ, कल डन करते हैं फिर। हाँ मैं भी फ्री हूँ कल, चलते हैं सब लोग साथ में। हाँ जैसे मेरे बच्चे कहना वैसे कर लेंगे। ऐसा है, वहाँ के लिए बहुत सुबह ही निकलना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, फिलहाल खाना खाओ। यार ये तो लिमिटेड लोग ले जाने कह रहे हैं, फूफा फूफी अनबर और ये खालू, ये तो पक्का ही जाएंगे, रहे हम तीनों बाप बेटे। यार ऐसा ना हो ये मुझे ही छोड़ के चले जा। एक काम करूँगा, बहुत सुबह ही उठ के तैयार हो जाऊँगा, पापा और मुनसाद को सोता हुआ छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊँगा फूफा के साथ। हाँ यही करना पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, सुबह फूफा के साथ जल्दी तैयार होके मैं चला जाता हूँ और इन दोनों को सोता हुआ ही छोड़ जाऊंगा। यस, ये है मुनसाद का दिमाग। अबे यार इन चारों को तो पक्का है जाना, एक काम करूंगा इन दोनों लंडों को सोता रहने दूंगा, कभी इनकी वजह से मेरा पत्ता कट जाए और मैं चला जाऊंगा, ये सही है। अरे पप्पो अभी तक यही बैठी हूँ, तैयार भी ना हुई और अपने भतीजे को देखियो कैसे टिप टॉप सेक्सी होके आया, एकदम फूल भी ले आया मैं, कभी कोई साली पूली हुई अनवर की तो निपटा देंगे। अरे तुम अब आ रहे हो, वो तो सुबह ही चले गए, मेरी तो तबीयत खराब है इसलिए मैं ना गई। चलेगा छोड़ गए। अरे फूफा कहाँ हो भाई, जल्दी आओ यार, फिर लेट हो जाएंगे रिश्ते के लिए। बाबू भाई, अरे बहनोई साहब ऐसे नहीं निभाई जाती रिश्तेदारी, जल्दी पहुंचना पड़ता है। पहुंच गए वो जल्दी, बहुत सुबह निकल गए, हमें छोड़ गए। हाँ तो मैं जाने के लिए थोड़ी ना आया था, मैं बताने आया था बहनोई साहब को, मैं बुखार में बहुत तप रही हूँ, मैं ना जा पाऊंगा। अरे तो यार मैं भी तो यही कहने आया था कि फूफा आज मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम ही कर आओ, मेरे चक्कर में रुकना बेकार है। मैं भी तो यही कहना आया, आप ऊपर से फूल ले जाइयो बस, ये फूफा ले जाएंगे दे देंगे और रिश्तेदारों को नए वालों को। ठीक है पप्पू। यार आज तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई यार, कसम से ऐसा लग रहा है किसी ने गीला चप्पल नाली में सना हुआ मुंह पे मारा हो।
अबे बेटे एक बार को तुम्हें छोड़ जाते कोई बात ना थी, मुझे तक छोड़ गए, मैं तो लड़के का मामू हूँ। अरे यार देखो आज बेइज्जती तो वाकई बहुत तगड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है किसी ने नंगी कमर पे सेंटी फेरी हो। बिल्कुल सही कह रिया यार, पर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फूफा के खिलाफ जाएंगे वो घर से भगा देंगे अपने, उनके घर में रह रहे हैं भैया, उनके ही खा रहे हैं, सुननी पड़ेगी, दबके रहना पड़ेगा। और कुछ कहेंगे तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। ये क्या बाबू भाई? ला मुझे दिखा। ये तो किसी जमीन के पेपर है। बाबू भाई हो गया काम, ये तो फूफा की कोई सी जमीन के कागज हैं। फूफा ने हमारे साथ गलत करा था ना, अब हम उनके साथ गलत करेंगे। अब हम इस जमीन को कहीं गिरवी रख के इससे जो हमें पैसा मिलेगा उससे खूब मजे करेंगे, अय्याशी करेंगे। अबे ओ मुनसाद, अपनी नियत सुधार ले, अपने बहनोई साहब का मैं गलत नहीं होने दूंगा कुछ भी। बाबू भाई समझाओ इन्हें पापा को, जब इस जमीन का पैसा हम पे आएगा ना तब कितना मजा आएगा, क्लब जाके डांस करेंगे, हुक्का पियेंगे, अय्याशी करेंगे, क्लब की नाइट जानते हो पापा तुम, कितना मजा आता। तुम यहाँ को लाओ यार पापा, तू चुप है, भोंके चले जा रही है, क्लब में जाएंगे फिल्म में जाएंगे, हराम के पैसे पे नियत रहती है। अबे छोटा मोटा फूफा का नुकसान कर देते, खर्च वर्च करवा देते वो बात अलग है यार, जमीनी गायब करेंगे क्या उनकी। हेलो, हाँ जी बेगम साहिबा, रिश्ता पक्का हो गया है, अनवर को लड़की पसंद आ गई है और लड़की को अपना अनवर, परसों बारात लेकर चलना है, तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। और सुनो पैसे की टेंशन मत लेना, वो जो मैंने 200 गज का प्लॉट लिया था ना वो अनवर की शादी के लिए लिया था, एक्स्ट्रा खर्चे सारे वहां से करेंगे, ठीक है? तुम तैयारियां करो, मैं आ रहा हूँ घर को। कुतिया तुझसे सामान का ध्यान ही नहीं रखा जाता। पापा मम्मी को क्यों मार रहे हो, उनकी क्या गलती है? बताऊं क्या गलती है? अबे बेटे बहुत मजा आया हमें, फिर लेके चलियो हमें। फूफा तुम्हारा भतीजा आ गया। क्या हुआ फूफा, सबके मुंह के लटके हुए हैं, क्या बात है? कोई मैटर हो गया क्या? अनवर बेटे झगड़ा हुआ किसी से? इसकी माँ का, लगा गगन वाले लोंडे को कॉल कर चला था। कौन था, किसने हाथ लगाया? अबे कैसे मुंह लटके पड़े यार इनके, बता कौन था? सारे लोंडो से क्या, सारे लोंडे आ जाएंगे। बे तू टेंशन मत ले, तेरा मामू हैगा, साले की गर्दन उतार लेंगे, तेरे सामने गर्दन काट दूंगा। अबे झगड़ा नहीं हुआ यार, इन्होंने 200 का जमीन ली थी अनवर की शादी में एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, बहुत टाइम हो गया उसके कागज ढूंढते ढूंढते, मिली ना रहे कहीं भी, अब समझ ना आ रही क्या करें, टेंशन में बैठे हैं इसलिए। जमीन के पेपर गायब हो गए घर के अंदर से, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहाँ थे आप लोग, कुछ ध्यान में नहीं रहता, जमीन के पेपर गायब करवा दिए। बड़ा सुअर है भाई ये तो, हमारा लोंडा ऐसे कर रहा है जैसे कुछ ना पता। अरे पापा तुम तो अभी बच्चे हो, अब इनके सारे कांड तो मुझे पता है। फूफा इसमें तुम्हारी गलती है सब, ऐसे कैसे पेपर गायब हो गए? मेरे फूफा का लॉस हो रहा है, इनका चेहरा उदास है, मेरे दिल से हाल पूछो क्या हो रहा है इस टाइम मेरा। फूफा उदास मत हो, कुछ सोचते। अब गलती चाहे किसी की भी हो, मैं भी तो नहीं यही समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा खर्चे कम कर दो, नॉर्मल शादी कर लो, क्यों टेंशन ले रहे हो? गलत कह रहे हो तुम, ऐसे कैसे नॉर्मल शादी कर लेंगे भाई, हमारे फूफा का अकेला लौंडा आए, इतनी इज्जत है फूफा की, शादी तो ऐसी होगी जिसमें माहौल बने, तगड़ा डीजे पीजे इंतजाम होगा, दिल्ली से तो रंडी बुलवा रही हो यार मैं फूफा।
रात भर उन्हें नचाएंगे, उसके बाद बजाएंगे। अबे ओ, ये बदतमीजी कोई ना होगी। और हाँ, बात रही शादी की, तो अकेला लौंडा है मेरा, मैं ब्याज पे पैसा उठाने जा रही हूँ। शादी लेकिन धूमधाम से ही होगी। पापा जी, देखो उदास मत हो, बिल्कुल भी उदासी की कोई बात ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम उदास हो गए, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, तुम जानते हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे। और बाबू भाई, सोचो जरा मेरा क्या हाल हो रहा होगा, मैं तो फूफा से कितना प्यार करता हूँ, मेरा दिल कितना परेशान है, बस दिल कर रहा है अभी बिरयानी में जहर डाल के खा जाऊं। अरे तुम टेंशन मत लो बच्चों, अभी मैं जा रही हूँ 10-12 लाख रुपए का इंतजाम करके अभी ला रही हूँ। ब्याज देने वाला तुम्हारा बाप लगाया क्या, जो मिनट से पहले पैसे दे देगा? वो कुछ तो देखेगा, सूरज से फटी चल लगाओ फूफा, तुम कोई मालदार ना लगते हो। अगर तुम्हें पैसा लाना है तो एक काम करो, हम दोनों को अपना बॉडीगार्ड बना के लेके चलो, जब तुम्हारे आजू बाजू में खड़े होंगे हम खतरनाक स्टाइल में, तो उसे लगेगा भारी भरकम आदमी है कोई, तुरंत पैसे दे देगा तुरंत। बताओ कैसा रहा मेरा आइडिया? कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन तुम बॉडीगार्ड लग कहाँ से रहे हो, तुम तो खुद ढीले लग रहे हो। हैं, ढीले? बस देखने में ही ढीला लगता हूँ, जब पाना चलाने पाता हूँ ना कुछ देर चलाऊं। अरे फूफा तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे पास एक सॉलिड प्लान है। अबे बहुत खतरनाक आदमी है बाबू भाई, तुम हमें लेके तो चलो। फूफा क्या है भाई? क्या है? यह है बॉडी, यह है डोला, और पैंट में रखा सपोला, पीट दूंगा। क्यों पापा? आप लगे ना खतरनाक। बॉडीगार्ड बबली सिंह रिपोर्टिंग सर। बॉडीगार्ड बबली सिंह रिपोर्टिंग सर। हाँ चलो बैठो। कैसे हैं सर? बढ़िया। ये क्या ड्रामा है भाई, ये बाउंसर बाउंसर कैसे रख रखे हैं, हमें पसंद नहीं है ये। अरे तो तुमसे मतलब भी क्या है, तुम अपने काम से काम रखो, इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए हमें रखा हुआ है। जानते हो कितनी मोटी भरम है ये, वो तो इमरजेंसी पड़ गई ना 10-12 लाख रुपए की, तब तुम्हारे पास आना पड़ा है। ओए औकात में रहकर बात कर, तू बस एक बाउंसर है। ओए सॉरी सर, मुझे इमरजेंसी में 12 लाख रुपए का लोन चाहिए। अच्छा लोन मिल जाएगा, लो पहले कोल्ड ड्रिंक पियो। I'm sorry सर, मैं आपकी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्या पता इसमें जहर हो। अब ये सेफ है, मैंने चेक कर ली, आप पी सकते हो। बहुत गंभीर मामला सर, ऐसे में मैं बबली सिंह पर भी भरोसा नहीं कर सकता, अब आप पी सकते हैं। कितने जाहिल बाउंसर रख रखे हैं तुमने, मुझे लग रहा तुम ही जाहिल हो जो इतने जाहिल बाउंसर रख रखे हैं। सॉरी। लो अच्छा काजू बादाम खाओ। सॉरी सर, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, आपसे अभी कहा था मैंने, क्या पता इनमें जहर मिला हुआ हो, पहले मैं घर जाके खाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, तब खा लेना। सर मैंने पहले भी बोला था, इस मामले में मैं बबली सिंह पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तीनों उठो और बाहर निकलो, चलो यहाँ से। अरे सर मुझे लोन चाहिए, बहुत इमरजेंसी। कोई लोन वोन नहीं है यहाँ पर, तीनों यहाँ से चुपचाप उठ जाओ वरना तीनों को मारूंगा। निकल। यार मुनसा, ये तो गलत हो गया भाई। हाँ यार गलत तो हो गया। हाँ यार, सारे काजू तूने उठा लिए, बादाम मैंने उठा लिए, ऐसा मजा नहीं आएगा। एक काम कर, थोड़े से काजू मुझे दे दे, मुझसे थोड़े से बादाम ले ले, मिक्स करके खाने में मजा आएगा। तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही, काजू बादाम कर रहा हो जानवरों। अबे चुप बे। अबे जब से तुझे देखा साले चवड़ 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 करे ही जा रही। हाँ यार बोले ही चला जा रही, कुछ ना कह रहे हैं तो साले बाबू तस्कर नाम है, पार कर दूंगा पता भी ना चलेगा कहाँ गया। ऑफिस में बैठ के अपने बोल लिया, किसी दिन बाहर मिलो ऑफिस के, तब बताऊं क्या चीज हूं। बद्दक बना दूंगा बद्दक, फिर करेगी फिर कैसे
ले बेलो ऑफिस के बाहर आ गए, अब बता क्या करेगा। अरे ऑफिस के बाहर क्या मारूं तुझे बच्चे, किसी दिन बीच चौराहे पे मिली है, वहां बताऊंगा बाबू तस्कर क्या चीज है, सबको पता चलेगा जब फेरूंगा ना तुझ पे। ले बेले आ गए बीच चौराहे पे, अब बता क्या करेगा तू। बीच चौराहे पे तुझे पीटूंगा, इतनी पब्लिक है, किसी ने वीडियो बना ली तो मेरी आफत आ जाएगी। किसी दिन बेटे अकेले में मिलना जंगल में, वहां बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ, दफना दूंगा वही। हाँ। ले बेले सुअर जंगल में आ गए, अब बता क्या करेगा। मेरा भाई, मेरे भाई गलती हो गई यार, आईंदा कभी ना होगी, मेरे मुंह से धोखे से निकल गई यार, कसम से मेरी गवाह पड़ रही है यार, तुम तो बिल्कुल यार पीछे ही पड़ रहा हूँ, छोड़ दो भाई साहब यार प्लीज यार। हाँ यार भाई साहब हमें भी माफ कर दो यार। इसकी भी शादी हो गई, आज रात को ये भी फिरकनी बना देगा। चलो यार हमें तो खुशी है, कम से कम हमें से किसी की शादी तो हुई। हाँ यार बड़े की ना हुई तो क्या हुआ, छोटे की तो हो गई। अबे यार बाबू भाई ताकत के लिए भैया को दूध वूध तो पिलवा दो। अबे सही कह रही है यार, दूध पिलवाते ही साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और खाना पीना ठीक हो गया था घर वालों का? अच्छा चले ठीक है फिर। अबे भैया अनवर हमें भी तो देख ले अपने भाइयों को, तू तो यार शादी करके बिल्कुल बेमुरब्बत हो गया, बात तक नहीं कर रही है, कब से ढूंढना है। अरे यार बाबू भाई कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी कोई बात भी ना। अरे यार हम तो तेरे लिए दूध लेके आए, क्या हमारा भैया थका हुआ होगा, थोड़ी दूध पी के तंदुरुस्ती ताकत आ जाएगी। ले पी। अनवर, अनवर बेटे क्या हुआ मेरे बच्चे, अनवर उठ। क्या है? अबे बेटे तू यहाँ क्यों सो रहा है, तेरी तो रात स्वागरात थी, तुझे तो अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था। मुझे ना पता, मैंने रात दूध पिया था, उसके बाद मुझे ना पता क्या हुआ। अबे जब तू यहाँ पे है तो तेरी बीवी के साथ कमरे में कौन है? बापू पाई मंगले।